नमस्कार। तो केंद्र में बीजेपी नेतृत्व की एनडीए सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है। उधर लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी को निराशाहत लगी, वहां से भी फीडबैक आए हैं। राजस्थान भी उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है, क्योंकि यहां से तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी क्लीन स्वीप कर लेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां इस बार 11 सीटें खोनी पड़ी हैं। राजस्थान में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर भी यहां पिछले दिनों बड़ी कशमकश चली। हालांकि इस दौरान जो कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ, डॉक्टर किरणलाल मीणा, जिनको बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर सीटों पर हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारी थी। शुरुआत में इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी उन्होंने, लेकिन अब वो बात आई गई हो गई है। वे अपने काम में फिर से लग गए हैं, कृषि मंत्री के पद पर हैं। अब सुखबुगाट यह है कि डॉक्टर किरणलाल मीणा ने जब इस्तीफे का राग छेड़ा था तो कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए पूरी भजनलाल सरकार कटघरे में खड़ी कर दी थी उन्होंने। मतलब यह है, माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी ने उनके कद के मुताबिक राजस्थान सरकार में जगह नहीं दिए जाने की खुन्नस इस राजनीतिक रणनीति के तौर पर निकाली थी, और इसके जरिए सीएम भजनलाल शर्मा पर पावर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे थे। खैर, अब नई जिम्मेदारी विधानसभा उपचुनाव की है। राजस्थान की 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लिए संगठन के तमाम नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी के पैरेलल उन्होंने 3 जुलाई से बजट सत्र भी बुला लिया है। यूं तो सीएम भजनलाल शर्मा कई घोषणाएं कर चुके हैं राजस्थान में जनकल्याणकारी, जैसे कि तृतीय श्रेणी महिला शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर देने की घोषणा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 2 गुना कर देने का। हालांकि ये केंद्र की योजना है, लेकिन राजस्थान में भी इसमें एडिशनल कुछ ऐड कर रहा है, जो आधी राशि तो वो डबल हो जाएगी। तो इन घोषणाओं का अब अमलीजामा पहनाना है। शायद सीएम भजनलाल शर्मा को लगता है कि गुड गवर्नेंस के जरिए ही वे राजस्थान की जनता का दिल जीत पाएंगे, और इसीलिए चाहते हैं कि कुछ नए महत्वपूर्ण बिल पारित करवाए जाएं, राजस्थान की जो विधानसभा उसमें इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, एक राज्य को आकर्षक बजट दिया जाए ताकि उनकी कुछ पैठ बने, यहाँ पर जनता से कनेक्टिविटी बढ़े। क्योंकि भजनलाल शर्मा को पहले राजस्थान में एक विधायक के तौर पर भी कोई नहीं जानता था। विधानसभा 2023 के विधानसभा जो चुनाव है उनसे पहले उन्हें अचानक से सैफ सीट सांगानेर विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया, वे जीते, और आश्चर्यचकित कर देने वाले अंदाज में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सीएम घोषित कर दिया। और चर्चा है कि राजस्थान में खेमों में बटी बीजेपी के लिए आगे चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से है। देवी सिंह भाटी, कालूलाल गुर्जर जैसे दिग्गज भाजपाई नेता हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की जो हार है लोकसभा चुनाव की, उसकी वजह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनावों से दूर रखना, उन्हें दरकिनार करना था। राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में बड़ी तादाद में वसुंधरा खेमे के विधायक भी मौजूद हैं, जिनमें कई तो ऐसे विधायक हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्स रह चुके हैं। इस बार वसुंधरा खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में उपचुनाव भजनलाल शर्मा की बड़ी अग्नि परीक्षा है। हालांकि 5 विधानसभाओं में से एक भी बीजेपी के खाते में नहीं रही है पहले, लेकिन 5 में से 3 सीटों को कम से कम जीतने का टारगेट केंद्र से मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि जानकारों का मानना है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि 84 में भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा रहा है। SC ST और मुस्लिम बहुल्य टोंक में बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। खीमसर में बेनीवाल परिवार किसी को भी टिकने नहीं देगा, ऐसा माना जा रहा है। दौसा सीट बचती है, दौसा सीट पर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस मुरारीलाल मीणा परिवार का कोई कैंडिडेट उतारेगी। यहाँ बीजेपी एक ही स्थिति में कम्पीट कर सकती है, अगर कांग्रेस के मीणा कैंडिडेट के सामने बीजेपी मजबूत मीणा कैंडिडेट को ही खड़ा कर दे तो कुछ पार पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भरोसे का कोई उम्मीदवार हो या उनके परिवार का ही हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे भी किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवा सकते हैं और उनको लोकसभा चुनाव की भरपाई का भी अवसर मिल जाएगा। जो हार मिली थी लोकसभा चुनाव में उसकी भरपाई वे इस तरीके से कर सकते हैं। झुंझुनू में जो झुंझुनू से भी कांग्रेस में ओला परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव में उतारने की बात चल रही है। कुल मिलाकर ये विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साथ लेकर बीजेपी कोई कदम उठाए तो ही कोई करिश्मा हो सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे इस करिश्मे को दिखाने के लिए बड़ी डील कर सकती है। इसलिए
चुनौतियां सबसे ज्यादा सीएम भजनलाल शर्मा के लिए है इस बार, वो ये कि आने वाले 2 से 3 महीने में खुद को राजस्थान की जनता से कितना वे कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो संभावना पूरी है कि राजस्थान में सीएम बदल सकता है। एक और चुनौती है बीजेपी के लिए, वो ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान, जिन्होंने राजस्थान के चुनाव में इतने जलवे बिखेरे हैं कि अब उनसे उम्मीद कांग्रेस को ज़्यादा हो गई है। जितने कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिलवाया था ज़्यादातर को जिताने में कामयाब रहे, हालांकि जयपुर ग्रामीण में जरूर उनको झटका लगा था, लेकिन उसको झटका नहीं मानते, 1600 से कुछ वोटों से रख दिया था, उसमें भी वो जांच बिठाना चाहते थे। लेकिन वे भी उपचुनाव को बड़ी गंभीरता से लेने वाले हैं इस बार। दौसा, टोंक, उनियारा के साथ ही तमाम जो 5 विधानसभाओं में वे कांग्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस का दावा कर चुके हैं, और ये दावा यह भी बता रहा है कि वे अपने लिए राजस्थान में सियासी भविष्य तैयार कर रहे हैं। इस जीत के बाद उनका सियासी कद निश्चित तौर पर वाकई में कांग्रेस में बढ़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।